Assalamualaikum students, starting with the name of Allah, I hope you and your family are good and safe. Welcome to class 6, subject mathematics. Dear students, as you know that the whole world is facing the epidemic disease COVID-19. Recently is third spell, so students, all of you have to take care of yourself, being stay at home. Wash and sanitize your hands frequently, at least 10 seconds. And when you go out, keep social distance must wear face mask. As government orders, schools are closed, but educational activities is going on through online classes. So students, today our first online lecture of mathematics. Now open your books and look at the starting page and unit 1, which is set. First, सबसे पहले हम लोग set को define करेंगे. Simply life में आप लोग set को जब हम लोग read करते हैं तो set किसे कहते हैं? Daily life में हम लोग जब set का word use करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ collection. ठीक है, particular way में हम लोग इसको use कर रहे होते हैं. जैसे घर में हम लोग dinner set, glass set बोलते हैं. ठीक है, लेकिन जब मैथमेटिक्स में आ जाते हैं तो मैथमेटिक्स में सेट को एक प्रॉपर मेथड से, एक प्रॉपर वर्ड से हम लोग यूज़ कर डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब इस क्यों मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? आपको रिटन फॉर्म में नज़र आ रहा है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिम्बल्स. और जो इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग इसके मेम्बर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ए सेट है हमारे पास वॉवल लेटर्स का, जिसमें ए ई आई ओ यू है और एंड डी इज इक्वल टू 1 2. इसमें ये जो ए ई आई ओ यू है जिसके एलिमेंट्स या मेंबर कहलाएंगे. स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कॉपी का जो फर्स्ट पेज रेडी करेंगे, सबसे पहले उसमें यूनिट नंबर 1, यूनिट नेम आपने लिखना है, यूनिट नेम आपने लिखना है. उसके बाद सेट को आपने डिफाइन करना है. कंप्यूटर शीट की कोई भी अच्छी सी शेप की कटिंग करके आपने सेट को डिफाइन करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे जब आप लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन, आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे डेट, राइट साइड पे डे, मिड में एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर प्रोमिनेंट करके अपने ब्लू मार्कर से लिखना है. ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर आपने यूज़ करना है. ठीक है, और रफ वर्क का कॉलम मस्ट बनाना है, जो एटलीस्ट 2 से 3 इंचेस उसकी लेंथ होनी चाहिए. जो आप लोगों ने राइट साइड पे अपनी कॉपी के राइट साइड पे इस साइड पे बनाना है, तकरीबन इतना होना चाहिए, तकरीबन 2 इंचेस का तो मस्ट होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, और अपना मैथ का काम करने से पहले जब भी आपको टीचर लेक्चर मैथ का देती है तो आपके हैंड में एक पेन पेंसिल मौजूद होना चाहिए, आपके पास एक कॉपी रफ मौजूद होनी चाहिए. टीचर जो अहम पॉइंट्स बोलते हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें. क्वेश्चन को नोट नीट कॉपी पर नोट डाउन करने से पहले आप रफ कॉपी के मस्ट उसकी 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस कर लें, ताकि नीट कॉपी में कोई भी मिस्टेक ना हो. आपकी नोटबुक जब आप नोट डाउन करेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोट डाउन हो आपका. कोई ओवर राइटिंग आप और कोई भी कटिंग आपके एक्सेप्ट नहीं होगी. बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने काम करना है, प्रॉपर मेथड से आपने काम करना है स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी, अब सबसे पहले हम लोगों ने सेट को डिफाइन किया. सेट की थ्योरी किसने पेश की थी? सेट की थ्योरी पेश की थी हमारे मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर. ठीक है, ये आपकी बुक पे पेज नंबर 4 पे मौजूद है इनका. इन्होंने सेट की थ्योरी 1873 में पेश की थी. ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें इन्होंने सेट को डिफाइन किया था. कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट. सेट को डिफाइन करने के बाद सेट को लिखने के लिए हम लोग ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं. जैसे नेचुरल नंबर्स का हम लोग सेट कर लें तो उसको एन से करेंगे. ठीक है, इवन नंबर के सेट को हम लोग ई से करते हैं. लेकिन ये सारे लेटर्स हम लोग कैपिटल लेते हैं, स्मॉल लेटर्स नहीं लेते स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब सेट को आप डिफाइन कर लोगे, अपने कॉपी में लिख लोगे, उसके बाद आप लोगों ने ये सेट्स जो हैं, बाकी कुछ सेट्स आपको गिवन है, या आप लोगों ने अपनी कॉपी पे इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, इनको इसी तरह से किसी भी शेप में कटिंग करके अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, ताकि आपको बार बार ये चीज़ आप लोगों को
आइज के आपके आंखों के सामने गुजरे तो आपको याद रहे ये चीज़। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा है? सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, कुछ और सेट्स भी हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो यहाँ पे आपको रिटन फॉर्म में बताए जा रहे हैं। ये आपने कॉपीज में मस्ट आपने नोट डाउन करने हैं, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये आपका चेक भी होगा। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके अकॉर्डिंग अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। ठीक है, द फाइव प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, क्या ये जो फाइव प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है इसका सेट है? सेट है, ठीक है, इसको यस लिखना है हमने। अब इसका सेकंड देखें, डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हमें 10 गिवन हो सकते हैं, 5 में हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने अपने होंगे। ठीक है, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये भी हमारे पास सेट है। द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट, अब स्ट्रीट के नॉटी बॉयज हम नहीं बता सकते हैं, ये सेट नहीं है। द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी सेट है। द प्लेयर्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितनी प्लेयर्स हैं ये भी सेट मौजूद है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड इसके मेंबर्स हैं सेट के, इसलिए ये सेट है। द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल, ये भी हम नहीं बता सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये भी सेट नहीं है। द नेशनल नंबर लेस दैन 50 से जितने भी नेशनल नंबर हैं, यानी कि 1 से 49 तक, ये हमारे पास सेट है। दी होल नंबर लेस दैन 9 से लेस होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ये सेट है। आई होप आपको यहाँ तक जो सेट हैं और जो सेट नहीं है इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड आप लोग देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा है इसके अलावा आपको ये हम लोग जो हैं क्वेश्चन, इसको PDF भी आपको सेंड कर देंगे। यहाँ पे जस्ट आपको बताया जा रहा है कि आपने कैसे सॉल्व करना है। उन्होंने यहाँ पे दो सेट दिए हैं, ए सेट हमारे पास वोवल लेटर्स का और बी सेट अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, A to Z हमने बताना है कि अब फर्स्ट देखें, ए इज़ बिलोंग टू ए सेट, क्या ये ए से बिलोंग करता है? ये जो सिंबल है ये बिलोंग का है, ये जो ई का सिंबल आ रहा है, ठीक है, ई आपको इस शेप में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बिलोंग का होता है। ठीक है, यस ए इज़ बिलोंग टू ए सेट, ये ट्रू है। ठीक है, आपने ट्रू बताना है। बी इज़ बिलोंग टू ए, क्या बी बिलोंग करता है इसे? नहीं, बी ए से बिलोंग नहीं करना, आपने इसको फॉल्स बताना है। इससे इसके बाकी पार्ट स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करने हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपना सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग अदर ऑफ द सिंबल्स बिलोंग टू एंड बिलोंग टू नॉट। ये बिलोंग का साइन है, ठीक है, इस पर अगर क्रॉस आ जाए इट्स मीन ये बिलोंग नहीं करता। अब जो 1 है, क्या ये 2, 3 इस साइड से बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग करता। देखें ये क्या 1 जो मेंबर है ये 2, 3 के सेट में मौजूद है, जो 1 एलिमेंट है? नहीं है, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला हमारे पास सिंबल आ जाएगा। अब जो बी है, क्या ये ABC इस सेट के मेंबर से बिलोंग करता है? यस, ये बिलोंग कर रहा है, इसमें ये फर्स्ट वाला बिलोंग का साइन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ऐसे 3 देखें, आई इज़ बिलोंग टू द सेट ऑफ वॉवल्स, क्या वॉवल्स के सेट में आई आता है? यस आता है, इसमें ये फर्स्ट वाला बिलोंग वाला साइन आ जाएगा। इस आपने इसके तमाम पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपने बताने हैं कि ये इसमें बिलोंग करते हैं कि नहीं बिलोंग करते। जस्ट आपने इसमें बिलोंग करता है और नहीं करता है इसके साइन आपने इस तरह से मेंशन करके लिख के बताने हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। अगेन स्टूडेंट रिपीट करती हूँ, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। कोविड से जो कोविड से बचने के जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए हैं, बार बार हाथ धोने के, मास्क मस्ट यूज़ करें जब घर से बाहर निकले। पहले तो आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मोस्टली आप लोग घरों में जाएँ, बहुत ज़रूरी काम हो तो, अदरवाइज़ आप जाएँ। आप अगर घर में बड़े हैं, अगर आप लोग जो चीज़ कर रहे होंगे वही आपके छोटे जूनियर जो आपके आपको फॉलो करेंगे, इसलिए बार बार अपने हाथों को सोप से धोएं, सैनिटाइज रखें, घरों में रहें, तो इंशाल्लाह हम अपने आप और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने इर्द के जितने भी लोग हैं उनको इस कोविड से बचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके जितने भी इर्द के लोग हैं सबको अपने हिफ्ज़ो अमान रखें। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।